हेलो फ्रेंड्स, आम रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने स्वीट राइस, इसे मीठे चावल भी कहते हैं, पीले चावल भी कहते हैं, ये हर किसी शुभ काम में शुरुआत में बनाए जाते हैं। इसे हम बड़ा ही शुभ मानते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे और इसे कैसे बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये मैंने चावल लिए हैं, ये मेरे बनाए हुए चावल है और ये इस नाप का एक गिलास चावल और एक गिलास चीनी ली है। तेज पत्ता, दो लौंग, दो इलायची और एक इंच दालचीनी ली है। और ये मैंने फूड कलर लिया है, मैंने केसर का यूज ना लेकर फूड कलर का यूज लिया है। ये मार्केट में अवेलेबल है, कहीं पे मिल सकता है फूड कलर। और मैंने ये एक बड़ा चम्मच घी लिया है। घी आपको जैसा पसंद हो वैसा घी ले सकते हैं, मैंने ज्यादा घी यूज ले रही हूँ। आइए देखते हैं। अब हम इस चावल में वो चीनी मिला लेंगे अच्छे से, दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने जरूर एक गिलास भर के चावल लिया है, पर जितनी जरूरत होगी मैं उतनी ही चीनी इसमें मिलाऊंगी। अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो आप ज्यादा ले सकते हो, कम पसंद है तो कम ले सकते हो। मैं अपने स्वाद के अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग लूंगी। चावल में चीनी मिलाई है, मैंने एक गिलास चावल बनाया था, कहा था आपको मैंने पूरी चीनी यूज नहीं लूंगी, मैंने आधे गिलास चीनी यूज ली है। चावल के जितने चावल लिए उसका 1/4 चीनी लेनी है अपने को, तो मैंने इसमें चीनी मिला ली है। बट ध्यान रहे चावल गर्म नहीं होने चाहिए, ये ठंडे करके ही यूज लेना है। चावल को बनाकर उसको फिर ठंडा करके फिर उसमें चीनी मिक्स करनी है। और फिर इसमें ये जो फूड कलर है इसमें मैंने दूध मिलाकर उसको अच्छे से कर लिया, इसमें बबल्स नहीं है। अब मैं इसको भी इस राइस में एक साथ मिक्स कर लूंगी। पैन गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें घी डालूंगी घी मेल्ट होने तक। घी आप पे डिपेंड करता है कि आप ज्यादा लेना चाहे कम, मैं थोड़ा ठीक ले रही हूँ घी। जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तब मैं इसमें तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग, इलायची सब डाल दूंगी। बट ध्यान रहे लौंग के ऊपर जो होता है वो निकाल दें। मैंने इसमें लौंग इलायची डाल दी, वो हो जाने के बाद मैंने इसमें जो चावल रेडी किया हुआ था अपना वो डाल दिया। अब भी पानी, चीनी जो है वो पानी छोड़ेगी धीरे धीरे, देख सकते हैं। देखिए ये रेडी हो चुका है, अब देखिए ना ज्यादा टाइट हुआ है ना कुछ, चीनी पूरी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और कलर भी अच्छा आ रहा है। आइए सब करते हैं। हमारे मीठी भात, पीला चावल, स्वीट फ्राइज रेडी है। अब बस मैं इसमें थोड़ा सा, मेरे पास ड्राई फ्रूट है, उनको मैंने पहले ही घी में अच्छे से भून लिया था। और इससे इसको चाहो तो आप बनाते वक्त इसमें डाल सकते हैं, मैं ऊपर से लगाना। ये रेडी है हमारा मीठे चावल, जरूर इसको बनाकर देखें। बेस्ट फ्राई बहुत अच्छा है और सिंपल ही रेसिपी है, जो जल्दी बन जाती है और टेस्टी भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।